सीधे चलता हूं आकाशदीप जी के पास। आकाशदीप जी, क्रिएटिव फ्रीडम, क्या इस शब्द का गलत इस्तेमाल यहां पर नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप कहते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम की लिबर्टी मिलना चाहिए, आप ये भी कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा टॉलरेंट है, इसके लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ये, आखिर कब तक विरोध ना करें? मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इस तरह का कोई एक सीक्वेंस है, मैंने असुटेबल बॉय देखना शुरू किया 2 दिन पहले, मैं उस मोड़ पे आया नहीं हूं जहां ये डिबेट वाला सीन था, पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम अगर उस सीन पे एतराज कर रहे हैं कि इस तरह के धर्म स्थल पे इस किसिंग सीन नहीं होना चाहिए, तो मैं इस बात से सहमति रखता हूं। प्लेटफॉर्म ओटीटी का फिलहाल अनसेंसर्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डिजिटल एरा में कहीं से भी वर्ल्ड के किसी कोने में से भी चीजें बीम होती हैं तो लोगों को देखने को मिलता है, इसीलिए इंडियन कंटेंट भी फिलहाल सेंसर नहीं किया जाता। लेकिन एज अ मेकर, अगर आपने ब्रीथ देखा हो जिससे मैं जुड़ा हूं, या मेरे आने वाले एक दो और सीरियल्स में आप वेब शोज में आप देखेंगे, हमने ना तो सेक्सुअल लिबर्टी ली क्योंकि सेंसरशिप नहीं है तो कुछ भी दिखाएं, चाहे वो माधवन वाली ब्रीथ 1 हो या अभिषेक बच्चन वाली ब्रीथ 2 हो, ना हमने कोई भी धर्म को इंसल्ट करने की कोशिश की है। हमको कंटेंट में इस तरह की कोई सेंसेशनल चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड मैं आपकी लोगों के पिछले स्पीकर के ऑब्जेक्शन से सहमति रखता हूं, सेल्फ सेंसरशिप जरूरी है। कंटेंट को अगर आप प्लेटफॉर्म्स को सेंसर कर दोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आदमी शॉर्टकट ढूंढ लेगा। लेकिन आकाशदीप जी, सरकार ने तो पहले ही दिन आपको कहा था सेल्फ सेंसरशिप बना लीजिए, आपको वो करने में कई साल लग गए, 4 सितंबर को आपने साइन किया। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, इसीलिए सरकार ने 11 नवंबर को रेगुलेशन के लिए कह दिया है और सेंसर बोर्ड टाइप का मैकेनिज्म बनेगा। आप लोग खुद सेंसरशिप अपने लिए नहीं चाहते थे। मुकेश खन्ना जी को लाऊंगा। मुकेश खन्ना जी, ये चलन क्यों? मैं फिनिश करूं, एक सेकंड, मैं आकाशदीप जी फिर आ जाऊंगा। मुकेश जी मेरे साथ 9 बजे तक जुड़े हुए हैं। दीपक जी मुझे वाइंड अप करने दीजिए, दीपक जी मेरे थॉट को वाइंड अप करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिल्म की भी जो सेंसर बोर्ड थी ना, वो एक सर्टिफिकेट देने वाली संस्था थी, हमारे को वहां भी एक्चुअली सेंसरशिप लागू नहीं होता है। अ सेंसर बोर्ड वाज फॉर्मड इन दिस कंट्री कि वो कंटेंट को एक ए यूनिवर्सल यूए इस तरह का एक सर्टिफिकेट दे, सेंसर करे, चीजें काटे और क्रिएटिविटी पे कैंची चलाए, ये हक उस कानून में भी नहीं है।